मैं भावना रे जोशी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। और आज हम बनाने वाले हैं भटूरों के साथ खाए जाने वाली चना मसाला। तो चना वैसे तो 12 या 15 तरीके से आता है। जब भी मैं छोले बनाती हूँ तो बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ कि कौन सी रेसिपी से बनाऊँ। तो आज मैंने चूज़ किया है कि मैं पालक डाल के छोले बनाऊँ, जो भटूरों के साथ बहुत स्वाद लगते हैं और बिल्कुल बाजार जैसा ही टेस्ट आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो आप भी बनाइए एक बार इसको और देखते हैं इसके लिए क्या करना है। सबसे पहले मैंने एक पैन लिया है और इस पैन में मैं ऑयल डालूंगी। ये मैं सरसों का ऑयल डाल रही हूँ, 2 से 3 चम्मच मैंने डाला है। अब इसको गर्म होने छोड़ देते हैं। अब इसमें थोड़ा सा जीरा, कसूरी मेथी और उसके बाद इसमें बॉयल चना डालेंगे। अब इसमें थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा मिर्ची पाउडर, ये भी सब चने के लिए डाल रहे हैं, ज़्यादा नहीं डालेंगे, और थोड़ा सा नमक और आधा चम्मच धनिया पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। अब ये चने हमारे अच्छे से भून चुके हैं, इनको मैं निकाल लूँगी दूसरे बर्तन में। अब सेम पैन में थोड़ा सा ऑयल और डालेंगे। ऑयल डालने के बाद सबसे पहले इसमें जीरा, 1 से 2 चुटकी हींग, इसके भुनने के बाद इसमें 1 से 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर अच्छे से भुनेंगे। अब इसके बाद मैंने प्याज भुने हुए रखती हूँ तलकर अच्छे से, ये मेरे पास ऑलरेडी फ्रिज में स्टोर रहते हैं, तो मैंने वो डाला है इसमें 1 से 2 बड़े चम्मच इतना। अब इसको अच्छे से भुनेंगे। 1 से 2 मिनट इसको अच्छे से भुनने के बाद, अब जिस तरह मैं टमाटर भी भूनकर अच्छे से फ्रिज में एयरटाइट कंटेनर में रखती हूँ, तो वो 2 से 3 बड़े चम्मच जितने ये भी डालूँगी। इसकी रेसिपी मेरी यूट्यूब चैनल पे है, तो आप देख सकते हैं। अब इसको अच्छे से भुनेंगे। अब इस स्टेज में मैं इसमें सूखे मसाले ऐड करूँगी। सबसे पहले इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर, क्योंकि हमने पहले भी ऐड किया है तो ध्यान रखें, आधा चम्मच धनिया पाउडर, सॉल्ट का भी ध्यान रखें। इसमें मैं 2 बार सॉल्ट को ऐड कर चुकी हूँ, एक बार उबलते समय और दूसरी बार चना को भूनते समय। तो थोड़ा सा इसमें मैं सॉल्ट डालूँगी और आधा चम्मच मिर्ची पाउडर डालूँगी और तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच मैं इसमें चना मसाला डालूँगी। ये किसी भी कंपनी का आप यूज़ कर सकते हैं और मसालों को अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी किया जा सकता है। मसालों को अच्छे से भुने। अब ये मसाला अच्छे से भुन चुका है, क्योंकि मैं पालक छोले बना रही हूँ तो मैंने पालक को पहले से ही बॉईल करके अच्छे से पीस लिया है, तो इस स्टेज पे मैं उसको ऐड करूँगी। एक बड़ी कटोरी जितनी मैंने इसमें पालक पीसी हुई डाल दी है। अब पालक हमारी अच्छे से भून चुकी है। अब मैं एक कद्दूकस पे थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसमें पनीर ग्रेट करके डालूंगी। पनीर कद्दूकस पे ऑयल लगाने से ये होगा, इस पे चिपकेगा नहीं। देखिए इस पे बिल्कुल नहीं चिपका। साथ ही इसमें थोड़ा सा देसी घी, 1/2 से 1 चम्मच इतना। और थोड़ा सा मिल्क पाउडर, ये खोए की तरह काम करेगा। अगर खोया अवेलेबल हो तो ये डालिए, अदरवाइज इस तीनों चीज़ों का मिश्रण को इसमें ऐड कीजिए, ये बिल्कुल खोए का ही काम करता है। अब 2 मिनट इसको अच्छे से मिक्स करके पकाएं। अब इसमें से घी निकल आया है, तो इस स्टेज पे मैं इसमें टमाटर मोटा मोटा कटा हुआ और 1 हरी मिर्च डाल दूंगी। दो मिनट पकने के बाद मैं इसमें अब छोले ऐड करूंगी।
अब इसमें थोड़ा सा वही छोलों वाला पानी डालकर इसको अच्छे से बॉईल होने देंगे ताकि हमारे मसाले छोले और टमाटर अच्छे से पक जाएं। अब ये छोले हमारे पक चुके हैं, ये तैयार है सर्व करने के लिए। तो आइए इसकी प्लेटिंग करते हैं। अब ये छोले तैयार हैं सर्व के लिए। बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी मेरी। अब ये छोले पूरी तरह बनकर तैयार हैं और तैयार है ये खाने के लिए। तब तक मैं भटूरे बनाऊंगी और उसके बाद मैं इसको फाइनल आपको दिखाती हूँ कि मेरे भटूरे भी कितने सॉफ्ट और फूले फूले बनते हैं। तो उसकी रेसिपी भी मैं बहुत ही जल्द अपलोड करने वाली हूँ अपने चैनल पर। तो प्लीज़ आप भी ट्राई कीजिए और आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए मेरी इस रेसिपी को और मुझे बताइए आपको ये छोले कैसे लगे हैं। और जल्दी मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। तैयार है मेरे ये छोले भटूरों के साथ खाने वाले। तो आप भी ट्राई कीजिए मेरी इस रेसिपी को और मुझे बताइए ये कैसे लगे आपको। और जल्दी मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।